रीवा संभाग का बड़ा गांजा तस्कर पकड़ाया, भारी मात्रा में गांजा बरामद, कबाड़ी बौनले में देनी थी डिलीवरी। यूपी के बनारस की ओर से लेकर आ रहा था गांजे की खेप, बीस शहर समान थाना पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर की कार्रवाई। आपको बता दें कि शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने देर रात नाकाबंदी कर संभाग के बड़े गांजा तस्करों में शामिल नवीन मिश्रा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से तकरीबन 4.5 लाख रुपए कीमती गांजा भी बरामद किया गया है। बता दें कि 44.5 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो शहर के कबाड़ी मोहल्ले में डिलीवरी देने जा रहा था, उसके पहले ही पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रीवा शहर में स्विफ्ट डिजायर कार से गांजे की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद समान थाना पुलिस सहित अन्य टीमों को गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। इस दौरान समान थाना पुलिस ने बड़ा मोहल्ला स्थित SK टावर के समीप अंधेरी गलियों में घेराबंदी कर कार सहित गांजा तस्कर को पकड़ लिया है। पकड़े गए गांजा तस्कर का नाम नवीन मिश्रा, निवासी ग्राम चोड़गरी, जिला सीधी बताया जा रहा है। आरोपी के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार में 44 किलो गांजे की खेप मिली है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि गांजे की ये खेप वह रीवा शहर के कबाड़ी मोहल्ले में देने जा रहा था, इसके पहले ही पुलिस ने देर रात उसे घेराबंदी कर धर दबोचा है। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजे की खेप लेके शहर में सप्लाई करने के लिए आया हुआ है, और जिसके आधार पे पुलिस ने घेराबंदी करके उस आरोपी को पकड़ा है, और गाड़ी से उसके करीब 44.5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसमें प्रकरण कायम करके आगे की विवेचना उसमें की जा रही है। कहाँ से कहाँ लेके आया था, कहाँ सपोर्ट करना था? ये रीवा में ही सप्लाई करने आया था, और अभी बाकी उसे पूछताछ की जा रही है, और जो लाना बता रहा है ये बनारस रोड से लाना बता रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सप्लाई करना ही है इसको, तो वो सारी चीज़ें से पूछताछ की जा रही है, और जैसा अगर कथन या जो भी विवेचना में पाया जाएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी।